और मसला तो याद आ गया लेकिन पसंद रहा सी वैसो नहीं, मसला औखा है। इजाजत दे सो सारे दोस्त ऐसे जिस बंदे ने मुशरिक का जनाजा पढ़ा गलती समझकर गुनाह समझकर बाकी गलती हो गई उस्तादी पढ़ना तो नहीं चाहिए था कि चुप करके मैं खड़ा रहा बिरादरी की खातिर चला गया। मुशरिक का जो बंदा जनाजा पढ़े गुनाह समझकर गलती समझकर कमजोरी समझकर ये बंदा गुनाहगार है। अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह मैंने गुनाह का काम किया मुझे माफ कर। और जिस बंदे ने मुशरिक का जनाजा साफ समझ कर पढ़ा वो काफिर हो गया। मसला समझ आया? दलील सुनो ना, जो बंदा गुनाह को गुनाह समझे ये मोमिन है। नमाज नहीं पढ़ता, कहते कि गुनाहगार हूं, कमजोरी है, सुस्ती है, गलती है। ये बंदा गुनाहगार है, मोमिन है। और जो बंदा नमाज को नमाज न समझे, नमाज नहीं पढ़ता, खुश हो रहा है, गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहा, क्या हो गया मैं नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह को नमाजों ते रखिए, अल्लाह को रोजों ते रखिए, बड़े रोजे नमाज चाहिए। हो जो गुनाह को गुनाह न समझे वो काफिर हो जाता है। जिसने मुशरिक का जनाजा पढ़ा गलती समझकर गुनाह समझकर, ये बंदा मोमिन है, गुनाहगार है। और जिसने मुशरिक का जनाजा पढ़ना गुनाह है, गुनाह को गुनाह नहीं समझा उल्टा सवाब समझा है, ये काफिर हो गया। उन मसला समझ आया? उच्चा तो दसो तसली थी ये होनी पड़सो। बिरादरी पीछे दीन पहले, कौम बाद में कुरान पहले, कबीला बाद में कुरान पहले। तब अल्लाह ने मना कर दिया, मा कान लिन्नबी वल्लदीन आमनू वयस्तगफिरू लिल्मुशरिकीन वलौ कानु उली कुर्बा। बिल्कुल साथ वाली आयत है, आयत नंबर 113। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको और जितने भी ईमानदार हैं उनको इजाजत नहीं कि जिसकी मौत शिर्क पर आई है उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगे। हमारे साथी कहते हैं, उस्ताद जी हम जनाजे पर तो गए थे, जब जनाजे के बाद वो दुआ मांगने लगे तो हम बाहर निकल आए, असल काम तो तूने कर लिया है जनाजे वाला। सुन दे बैठे हो, कोई शिर्क पर फौत हो गया तल्ली फूड़ी ते बन के नहीं आखना अल्लाह झले इस। सुन दे बैठे हो, तल्ली फूड़ी ते बन के नहीं आखना अल्लाह बख्शे इस। ये लफ्ज भी कहना मना है, तहजियत के लिए जाकर ये कहना जिसकी मौत शिर्क पर आई है अल्लाह इसको बख्शे, अल्लाह झल्ले शाह, अल्लाह माफ चा करे, ये अल्फाज तादियत के मौके पर भी कहने की शरीयत में इजाजत नहीं है। चुप कर गए हो, इतनी गवाही तो सारे दोस्त ने सोचा भाई मसला आपको की तमिया कुरान दे।